देखो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, कल हमने क्या डिस्कस करा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करे थे, आज हम वापस आ जाते हैं टाइप थ्री। टाइप टू क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें दो टाइप पढ़े थे क्या, बर्नौली पढ़ा था रिड्यूसिबल टू लीनियर और लीनियर पढ़ा था। आज स्टार्ट करते हैं टाइप थ्री, दैट इज होमोजीनियस, उसके बाद आ जाएंगे एग्जैक्ट पे। होमोजीनियस ये आपका टाइप थ्री, टाइप थ्री का ये फर्स्ट डाल दो होमोजीनियस, फिर सेकंड में आ जाएगा होमोजीनियस में रिड्यूस। इसमें सीख क्या रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सीख रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, कोई बता सकता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। तो पहले आपका आ गया होमोजीनियस फंक्शन। मतलब क्या हो गया? समघात फलन। अ फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज सेड टू बी अ होमोजेनियस फंक्शन इफ फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर, एक फलन एफ एक्स कोमा वाई समघात फलन कहलाता है यदि फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। मतलब इसका क्या मतलब है? के कोई रियल नंबर है। तो यहां पे हो गया फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन इफ फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। f जो f x है ना, x की जगह आप लिख दो k x, y की जगह लिख दो k y, और इसमें से यदि आप k की पावर n बाहर निकाल सको, ये x कॉमा y, तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। x की जगह क्या लिख दोगे? k x लिख दोगे। y की जगह क्या लिख दोगे? k y लिख दोगे। उसमें k की पावर n बाहर निकाल दोगे, ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। इस केस में ये आपका क्या होगा? इसमें आपका जो f x y है इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। जो k n बाहर आता है ये उसकी क्या होती है? घात होती है। यहाँ f x कोमा y n घात का समघात फलन है। किसी को दिक्कत? किसी एकदम इजी, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं और चलो इसकी और डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन ये हुआ, दूसरा और इस सेम फंक्शन को, यदि फंक्शन होमोजीनियस है एफ एक्स कोमा वाई, तो यहां से यदि आप एक्स की पावर एन बाहर लोगे ना, तो यहां ये पूरा वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या यहां एफ ले लिया तो ये जी एक्स ले लो, ये किसमें? जी वाई अपॉन एक्स। इसकी भी बातें मत करो, इसकी भी क्या हो जाएगी? ये एन डिग्री का होगा। और यदि इस सेम का तीसरा फॉर्मेट है x कोमा वाई, इसमें से यदि y की पावर n बाहर ले लो, तो ये क्या बनेगा? ये x अपॉन y हो जाएगा। पूरे फंक्शन में यदि x की पावर n लोगे ना, तो y अपॉन x दिखेगा, और यदि y की पावर n ले लोगे, तो ये दोनों, ये सारे, ये तीनों क्या है? n घात के क्या है? समघात। इसमें किसी को दिक्कत? अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और तुम्हें क्लैरिफाई हो जाए। यदि मैंने f
एक्स कोमा वाई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन टू एक्स वाई स्क्वायर लिया, ये तो चलो टू एक्स वाई ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन टू एक्स वाई ले लिया। तो आपने x की जगह पहला वाला हमने सीखा x की जगह रिप्लेस करा kx, y की जगह रिप्लेस करा ky, तो यहाँ क्या हो जाएगा f kx और ky में वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से k क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा k क्यूब बाहर लिया, नीचे k स्क्वायर बन रहा है और ये वापस क्या बन गया x क्यूब y क्यूब अपॉन टू एक्स वाई, तो यहाँ k और ये क्या वापस एक्स वाई मिल गया और k की पावर वन है, इसका मतलब ये एक घात की क्या है होमोजीनियस फलन है, होमोजीनियस फंक्शन, क्लियर है सबको। दूसरा टाइप इस सेम का समझ में k से समझ में आया नहीं आया, दूसरा तरीका इस सेम फंक्शन में f x कोमा y में आप बाहर ले लो क्या x की पावर n बाहर ले लो, तो ऊपर वाले में लिया x क्यूब पूरा फंक्शन y अपॉन x का बन रहा है नहीं, तो यहाँ y अपॉन x का क्यूब हो जाएगा और नीचे यहाँ x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो एक तो ये 2 रहा और एक x सीधा और एक y के नीचे ये, तो ये x स्क्वायर हो गया एक x से एक y के नीचे, तो यहाँ से क्या मिला x की पावर 1 और ये वापस क्या बन गया है ये आपका फंक्शन बन गया है y अपॉन x का, मतलब सिर्फ y अपॉन x पे दिखेगा पूरी चीज, तो यहाँ पे भी पावर वन है मतलब एक घात का क्या हो गया ये समघात फलन हो गया होमोजेनियस फंक्शन। इस सेम को तीसरा टाइप ये आपका एफ एक्स कोमा वाई है, अब वाई की पावर क्यूब बाहर ले लो तो यहाँ क्या मिला एक्स अपॉन वाई उसका क्यूब और ये प्लस वन, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, और नीचे वाई स्क्वायर ये आपका हो गया टू और ये एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ y की पावर क्या हुई 1 और ये फंक्शन क्या हो गया पूरा x अपॉन y, तो चारों तीनों सारी चीजें क्या है सेम, तो होमोजेनियस फंक्शन क्लियर है सबको, समझ में आया अच्छे से। अब बात रही होमोजेनियस, ये किसकी डेफिनेशन थी, ये होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन थी, अब अपन को पढ़नी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से नेक्स्ट आ गया होमोजेनियस क्या हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to d मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन f x comma y is said to be homogeneous differential equation equation if f x comma y is homogeneous function of degree 0 ये differential equation है, ये homogeneous differential equation हो जाएगी यदि ये जो function है dy by dx की फॉर्मेट में लिखोगे जो बचे का फंक्शन वो फंक्शन जीरो डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन मिल जाएगा, मतलब समझे इसका मतलब यदि k वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो k की पावर क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, इस फॉर्मेट में लिखोगे तो x की यहां बाहर कुछ आएगा ही नहीं, पूरा ये बचेगा या ये बचेगा। यदि सेम क्वेश्चन होता तो यहाँ k बचता ही नहीं, यहाँ x स्क्वायर वाई होता, पूरा कैंसिल हो जाता, यहाँ ये x नहीं बचता, यहाँ ये y नहीं बचता, क्यों, मेरी बात समझ गए या नहीं,
इज दैट क्लियर? हिंदी में हो जाएगा एक अवकल समीकरण dy by dx equals to f x comma y समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण कहलाएगी, समघात अवकल समीकरण कहलाएगी यदि यदि एफ एक्स कोमा वाई जीरो घात का या शून्य घात का समघात फलन हो, शून्य घात का समघात फलन हो। इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो, इरेज कर दो इसको। अब देखो आगे इसका क्या मामला बनेगा। यहां पे dy by dx जैसे आपने लिया x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन xy, ठीक है? तो यहां आपका ये वाला है, इसको ट्रीट करना है कोई फंक्शन। यहां आप x की जगह पुट करो क्या kx, y की जगह पुट करो ky, तो k स्क्वायर x स्क्वायर k स्क्वायर y स्क्वायर kx ky, तो ये क्या बन गया आपका, ये k की पावर जीरो और ये बना, लिख दो एफ एक्स कॉमा वाई क्योंकि वही बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो के नहीं है बाहर, मतलब के की पावर जीरो है, मतलब ये फंक्शन क्या है, क्या है ये फंक्शन? इस सेम फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड बाय डीएक्स, यदि यहां एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया वन अपॉन वाई की पावर एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक एक्स पास था वाई अपॉन है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो मतलब एक्स की पावर जीरो जी फंक्शन बना है वाई अपॉन एक्स का। किसी को दिक्कत इसमें? सबको क्लियर है? और सेम वापस ऐसा भी हो सकता है, एक ये वाई की पावर जीरो अब आपको यदि ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जहां dy by dx क्या हो e की पावर x अपॉन y प्लस टेन, सॉरी dy by dx क्या है ना, y by x tan y by x, ये क्या होमोजीनियस है? नहीं है, है? बताओ है या नहीं है? है, क्यों है? क्योंकि हमारा टारगेट है कि ऐसा फंक्शन बन जाए जिसमें यहाँ एक्स हो ही नहीं, तो आगे एक्स की पावर जीरो ही तो है और पूरा फंक्शन बन गया ना वाई अपॉन एक्स का, तो ये होमोजीनियस है। ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको देखने के मिलते हैं, जैसे आप आएगा ना वाई बाय एक्स, मतलब डीवाई बाय डी एक्स बनाना सीधे, तो आपको पकड़ में आना चाहिए क्वेश्चन के यार डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ है नहीं तो मतलब क्या है, एक्स की पावर जीरो आ गई, ये जीरो डिग्री का होमोजीनियस है, तो ये भी क्या है? किसी को दिक्कत यहां पर? अब आ जाते हैं क्या सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका मेन टॉपिक है। हम टाइप थ्री का फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है?
तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिली, डीवाई बाई डी एक्स हो गया, तो यहाँ जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, वाई अपॉन एक्स का बनेगा। क्लास ट्वेल्थ में आप ये सीखते हो जो अब है ना यहाँ से, खैर ये तो प्रूफ है, मैं सीधे बाकी वही है, क्लास ट्वेल्थ वाला ही है वाई इक्वल टू वी एक्स वाला, इसमें कुछ चीज ऐसे नहीं है, इट्स सेम। तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या है, जी वाई अपॉन एक्स है, अब ये बन गया ना, मतलब आगे क्या है यहाँ, एक्स अबाउट जीरो है तो ये बन गया, तो यहाँ पे आपको पुट करना है, पुट वाई इक्वल टू क्या लेना है, वी एक्स पुट करना है, तो यहाँ से जहां जहां डीवाई बाई डी एक्स है वहां क्या हो जाएगा, यू डॉट वी करोगे, एक्स का वन हो गया वी बच गया, और यहाँ एक्स को छोड़ा वी का क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स हो गया, और जब वाई की वैल्यू उसको रेस कर दो, अब देखो यहां से क्या मिला बताओ, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहां क्या हो जाएगा, ये y की जगह वी एक्स लिखूंगा तो एक्स एक्स कैंसिल बन जाएगी, ये जी वी बन गया, यहां से x डी वी बाई डी एक्स और जी वी माइनस वी, और यहां से बना डी वी अपॉन जी वी माइनस वी, इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ एक बना डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस, इसका इंटीग्रेशन करा तो समझ लिया कोई ये फलन फंक्शन आ गया v का है, इसका हो गया log x, वो c वापस पुट कर दो किसको, v को, y इक्वल टू वी एक्स लिया है, मतलब v क्या है y अपॉन एक्स, तो ये वापस आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत इसमें, दूसरा टाइप होगा उसमें डीवाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स ओवर डी वाई होगा, वो सिमिलर ही है तो मैं लिख नहीं रहा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब आपका टाइप वन हो गया, अब टाइप थ्री का फर्स्ट पार्ट है, अब टाइप थ्री का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, वो साथ में करवा दो, ये क्या है टाइप थ्री ही चल रहा है, और उसका कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, तो यहां पे देखेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या हो जाएगा समघात में नहीं परिवर्तनशील सी अवकल समीकरण, जो अवकल समीकरण क्या हो जाए समघात में बदली जा सके, तो यदि आप dy by dx ले लिया आपने ax by plus c upon capital ax capital by प्लस डी लिख दिया, पहले बताओ ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है या नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, है या नहीं है, कि कुछ तो बोलो रे, आंसर तो होना चाहिए ना तुम्हारा, नहीं है, नहीं है ये होमोजीनियस, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यदि k लिखोगे x की जगह k x, तो कहां k भाई, समझ गए, एक मिनट, k तो k कॉमन कैसे लोगे, यहाँ c है ना, समझ गए, और दूसरा x की पावर यहाँ, तो वो फंक्शन भी कहां बनेगा, यहाँ कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता तो ये होमोजीनियस हो जाए, एग्जैक्टली, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करके क्या होमोजीनियस बना सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल को शिफ्ट कर देना, जैसे सेम वेरिएबल है ना सेवन, भाई वेरिएबल क्या एक्स की वैल्यू है,
एक्स की वैल्यू वेरिएबल को एक वेरिएबल से दूसरे में शिफ्ट कर देना, जैसे एक्स की जगह एक्स प्लस थ्री लिख दिया, तो जो जो एक्स की वैल्यू होगी वो बस तीन आगे जा चली जाएगी, ठीक है। तो इस वेरिएबल को एक्स और वाई को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये कर सकते हैं हम, इसको रेज कर दूं, हम क्या करेंगे, हम एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स प्लस एच करा, मतलब एक्स को कुछ क्वांटिटी आगे शिफ्ट कर दिया। तो फर्क क्या पड़ा भाई, जैसे कोई समझ लिया तीन शिफ्ट कर दिया, तो वेरिएबल बहुत सारे हो रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, तो सारे आंसर तीन ज्यादा आ जाएंगे, फिर लास्ट में माइनस कर देंगे ये तीन, तो सारे वापस ले लेंगे। समझ गए ना, किसी वेरिएबल को आगे पहुंचाया, उसका उससे अपन का फायदा उठाया जो भी, फिर वापस पीछे पहुंचा दिया, तो आंसर वो सेम ही रहा। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो यहां से भाई सही मायने में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक कर्व ही होगा, एक कर्व ही होगा ना, उस कर्व में वापस पहले तीन आगे ले जाके सॉल्व करें, फिर तीन पीछे ले जाके वापस, समझ गया ना ये। जस्ट अब एक्स को हमने पिक करा है कि एक्स को लिख दिया एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई को हम पिक कर ले वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस के, ये कर सकते हैं। चेंज क्या आया, सब टर्म को आगे पहुंचा दिया कुछ, या पीछे, ये नेगेटिव भी हो सकता है भाई, इसकी एच की वैल्यू हमें पता नहीं है क्या, और ये पुट कर दिया यहां से। अब देखो इसमें dx और dy तो सेम ही रहेंगे, क्यों, ये कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, तो dx dy सेम रहेंगे, बस जहां जहां x है क्या हो जाएगा, कैपिटल dy अपॉन क्या हो गया, कैपिटल dx हो गया, और यहां a हो गया x की जगह क्या हो गया, कैपिटल x प्लस h, और यहां b है y की जगह क्या हो गया, कैपिटल y प्लस k हो गया, इक्वल्स टू यहां c था, और यहां क्या हो गया दूसरा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या होगा बताओ, a कैपिटल x प्लस h, और ये क्या हो जाएगा b कैपिटल y प्लस k हो गया, और ये क्या, ये समझे ना भाई, dx तो डार्क यही होगा, dy यही होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है सामने, तो किसी को दिक्कत इसमें, dy बाय dx है, ये हो गया a कैपिटल x P कैपिटल Y, और यहाँ क्या हो गया ये A कैपिटल X B कैपिटल Y, और यहाँ AH प्लस BK प्लस C, और यहाँ AH BK प्लस D। हम H और K ऐसे पिक करें, वी विल choose H and K such that कि आपका A H plus B K plus C zero आ जाए, और साथ में A H और B K plus D क्या आ जाए, zero आ जाए। हम इसको रखेंगे, H को H ही रखेंगे, फिर ये दोनों equation बनेगी, इन दोनों को zero रख देंगे, इनको जीरो रखने से हमें क्या होगा, एच और के की वैल्यू मिल जाएगी, तो मतलब वो वैल्यू, मेरी बात समझे या नहीं समझे, एच और के की क्या मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू रखते हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, यदि ये जीरो है ये दोनों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन क्या हुआ ए एक्स, और ये क्या मिला डी वाई अपॉन ए एक्स, और ये क्या मिला बी वाई। किसी को देखकर ये क्या है, होमोजीनियस, इसको होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जैसे आपने dy by dx लिया, वो सेम तरीका हो जाएगा, x कॉमन ले लो, नीचे से भी ऊपर से भी ले लो, तो ये क्या बन गया g कैपिटल y अपॉन x बन गया, और वापस वो सेम तरीका क्या, कैपिटल v इक्वल टू क्या ले लो yx, v इक्वल टू ले लिया कैपिटल yx, तो y इक्वल्स टू vx, vx हो जाएगा, यहाँ से dy ओवर dx क्या हो जाएगा, यहाँ एक x का हो गया 1 v को छोड़ा, और वापस x को छोड़ा v का क्या हो गया dv, और क्या हो गया dx हो गया, तो यहाँ क्या मिला v प्लस x dv ओवर dx, और यहाँ मिला g, और ये क्या मिल गया v, ये उधर गया वापस v, एक क्या मिला v का फंक्शन,
तो ये आपका रहा डी वी अपॉन जी वी माइनस वी, ये इंटीग्रेशन कर दो, एक मिला है डी एक्स अपॉन एक्स, ये और कांस्टेंट लगा बस। अरे भाई ये तो सर सेम ही हो गया है यहाँ से, मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, ये स्टेप हटा दो, ये स्टेप वापस, अच्छा यहाँ कैपिटल वाई सारे लिखा करेंगे, इनको कैपिटल कर दिया, ये कैपिटल कर दिए, ये कैपिटल कर दिए। अब देखो हमें क्या करना है, ये क्या है v कैपिटल x और ये dv और dx है और ये gv है, तो यहाँ पे क्या करा फिर x dv और dx रहा और ये फिर वापस कर दिया, यहाँ क्या होगा dx अपॉन x log ये कैपिटल x आ जाएगा, ये g डैश ये है ना, इसका डेरिवेटिव का मतलब नहीं है, मैंने नया फंक्शन माना g डैश, ये जो दिक्कत कन्फ्यूजन हो g स्टार मान लो इसमें, और पुट वापस v क्या करना है y अपॉन x पुट करना है क्योंकि y इक्वल टू vx आपने पुट करा था, तो v y इक्वल टू x, ये कैपिटल y अपॉन x पुट कर दिया, ये log x प्लस c, क्या आपका ये आंसर है, नहीं है, क्यों स्मॉल में आपने लिया x इक्वल टू क्या कैपिटल x की जगह क्या लिया कैपिटल x प्लस h है, तो कैपिटल x क्या हो जाएगा, कैपिटल x की जगह लिखना है x माइनस x, कैपिटल y की जगह क्या लिखना है y माइनस x, ये पुट करते जो आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा आंसर, इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं है। इसका जो थर्ड टाइप है वो जैसे जबरदस्ती डिफरेंशियल इक्वेशन में डाला गया है कई बुक में, तो मैं भी तुम्हें साथ में लिखवा देता हूँ, बाकी वो ऑफिशियली तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पर ये साथ में लिखा जाता है काफी बुक में देखी जाए, सबको क्लियर है थ्योरी अभी तक, कोई दिक्कत, दो ही टाइप पढ़े हैं, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्या हो गया रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी शक्ल देख के पहचान जाना ये और दिख जाएगा तुम्हें। अब देखो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं बताओ, थर्ड वाला टाइप आपका है जब डीवाई बाई डी एक्स हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और यहाँ ए एक्स बी वाई प्लस बी, ये जब रेशियो में हो ए अपॉन ए बी अपॉन बी, ये कोई सेम रेशियो में आ गया जैसे के, तो यहाँ से ए को क्या लिख सकते हैं ए के, स्मॉल बी बी को क्या लिख सकते हैं बी के, तो यहाँ पुट करा ए की जगह ए के एक्स और बी की जगह कैपिटल बी के वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी और ये डीवाई बाई डी एक्स, ये डीवाई बाई डी एक्स, यहाँ से के कॉमन ले लोगे तो क्या मिला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, डिनोमिनेटर में क्या रहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी, तो ये आपका वापस वही बन गया क्या फंक्शन बन गया है किसका ए एक्स प्लस बी वाई का, जो आपको सिखा रखा है इसको कैसे सॉल्व करना टाइप वन में, समझ गए, ये बुक में आपके यहाँ लिखा हुआ है इसलिए आपको। अब आ जाओ यहाँ तक कोई दिक्कत, अब इस पे आ जाओ क्वेश्चंस पे, फर्स्ट क्वेश्चन ले लो इसका, एक्स क्यूब थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स वाई क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये आपका क्वेश्चन है, ये पहले बताओ होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है वो तो डेफिनेशन हो गई पूरा, बाकी यूँ देखो देखो x और y की कंबाइंड पावर सेम रहे तो होमोजीनियस है, थ्री थ्री x और y की देखो पावर थ्री वन और टू थ्री थ्री और थ्री, x और y की कंबाइंड पावर सेम हो तो क्या हो जाएगा होमोजीनियस, यहाँ से डिवाइड dx जो फंक्शन बनेगा वो दोनों ऊपर थ्री थ्री डिग्री के बन जाएंगे और आपका।
आंसर देना, तो मत लिखा करो रे क्लास में कितनी बार बोल दिया इतना, जैसे तुम घर पे पता नहीं क्या करो। नोट्स अच्छे से बनाओ, बहुत काम आएंगे। एमएससी में भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। क्लास में रफ या फिर फोटो, रफ या फोटो, और यदि रफ लिखते हो तो जितना हो सके शॉर्ट। अब देखो यहां से डीवाई बाई डी एक्स क्या बन गया आपका, डीवाई बाई डी एक्स बना आपका, इसको भेजा माइनस एक्स क्यूब, और यहां से क्या 3xy² और यहां क्या वाई क्यूब 3x²y, यही बनाया डीवाई बाई डी एक्स। और यहां से देख लो होमोजीनियस है, के पुट करो पूरा गायब हो जाएगा डेफिनेशन को, भाई अपन वाले डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से अब इसमें जरूरी नहीं है कि इसको y अपॉन x में कन्वर्ट करो, सिंपल सा है, यहां y को पुट कर दो क्या dx, जो पहले से था, dy by dx क्या हो जाएगा v, x का वन हो गया और फिर क्या प्लस x को छोड़ा dv by dx, और यहां से dy by dx की जगह लिखा v प्लस x dv by dx, और यहां देखो x क्यूब और y की जगह क्या लिखा, ये माइनस, ये आपका y की जगह जब लिखोगे vx तो ये क्या होगा v स्क्वायर x स्क्वायर, तो x क्यूब पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहां से 1 बच जाएगा, ये भी बाहर चला जाएगा, और यहां क्या बचेगा 3v स्क्वायर बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा v क्यूब, और ये 3v हो जाएगा। इसको एक ऐसे ट्रिक से भी याद रखो, तो जहां जहां y दिखे v लिखना है, x दिखे 1 लिखना है। यदि डिवाइड बाय dx बना रहे ना, x की जगह 1, y की जगह v, y की जगह v और डिवाइड बाय dx की जगह, तो बिल्कुल तुम्हें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और सही मायने में क्या हुआ है, x क्यूब कॉमन आया दोनों से और कैंसिल हुआ है, ठीक है, यदि आप ट्रिक से करना चाहो, y की जगह v रिप्लेस कर दो, x की जगह 1 रिप्लेस कर दो। ये कौन सा dy by dx वाले केस में, एक dx upon dy का बनेगा, उसमें x की जगह v और y की जगह 1 लिखने से बन जाएगा, ये हो कैंसिल यार। अब देखो यहाँ उधर भेजा, एक तो क्या रहा x dv over dx रहा, उधर भेजा 1 plus 3v square, और यहाँ क्या रहा v cube plus 3v, और ये माइनस का v x dv over dx, यहाँ माइनस का 3v स्क्वायर माइनस का 1, एलसीएम ले लिया तो ये माइनस का क्या हो गया v की पावर 4 हो गई, माइनस का क्या हुआ 3v स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर में हो गया v क्यूब प्लस 3v हो गया। इसको उधर ले गए v क्यूब प्लस 3v है ना 3v, और नीचे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा v की पावर 4 माइनस प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 dv, और यहाँ माइनस का dx अपॉन x, ठीक है, प्लस भले कांस्टेंट अभी लगाओ तो लॉग से, या बाद में लगा देंगे, किसी को दिक्कत इसमें। अब इसको इंटीग्रेशन कर दोगे, कैसे करना बताओ, इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा नीचे वाला t से, समझ गए ना, तो यहाँ से ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे और t पुट करोगे तो हो जाएगा सिंपल सा इंटीग्रेशन। आगे बना 1/4, और यहाँ क्या 4v क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 12v, और यहाँ क्या हो गया v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1, और ये dv हो गया, और यहाँ माइनस का dx अपॉन x, और ये log c लिख लो, log c। अब इसमें इसको क्या पुट करोगे आप t, तो ये क्या 4v क्यूब प्लस 12v dv क्या बन जाएगा dt बन जाएगा 1/4 dt अपॉन t, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस log x log c, और ये क्या बन गया log, और ये t, t क्या लिया है बताओ
बी की पावर फोर सिक्स वी स्क्वायर प्लस वन, इसकी पावर वन बाय फोर हो गई, और ये लॉग सी अपॉन एक्स हो गया, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, और वी किसको पुट करना है, वी वापस पुट करना है किसको, वाई अपॉन एक्स, तो वाई की पावर फोर एक्स की पावर फोर सिक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी पावर वन बाय फोर हो गई, और यहाँ क्या हो गया सी अपॉन एक्स, ये आपका आंसर है। ईजी है, किसी को दिक्कत? इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं आपके, कोई ऐसा रॉकेट साइंस आएगा नहीं, एकदम इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ रहा डी एक्स, ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ देखी, यहाँ भी देखो वन वन स्क्वायर है वन बाय टू वन, तो मैंने कहा ना सीधा देखने से आपको लग जाएगा कि लगभग हर एक टर्म में एक्स की पावर सेम होनी चाहिए, ये टू टू है ना, तो इसको वन ही समझो क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो वन, बाकी यूँ देखो डिवाई बाई डी एक्स बना दो आप, डिवाई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, इसका डिवाई बाई डी एक्स होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, ये बनेगा। मैंने आपको सीधा बता दिया है y की जगह क्या पुट करना है, जल्दी बता दो, v और x की जगह 1 और dy by dx की जगह v plus x। भाई यदि यहां से आप पुट करोगे y equals to vx, यहां से सीधा याद रखना dy by dx हो जाएगा v plus x dv by dx, y को पुट करना है v, x को पुट करना है 1, यहां से dy by dx v plus x dv by dx, और यहाँ क्या हो गया अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस वी अपॉन ये एक्स की जगह वन, वी से वी कैंसिल हो गया, डी वी अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टू ए नहीं आता कभी अंडर रूट वाले में, लॉग वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, इसका प्रूफ करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अंडर रूट में कभी नहीं आएगा, तो ये आपका हो गया लॉग वी प्लस फॉर्मूला है अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, और ये आपका लॉग एक्स, ये आपका क्या हुआ लॉग सी, और यहाँ वी इसकी वैल्यू क्या है वाई अपॉन एक्स, लॉग हट जाएगा वाई अपॉन एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और ये लॉग एम क्या हो गया एक्स सी, लॉग तो वैसे ही मैंने हटा दिया ऑलरेडी, दैट्स योर आंसर। किसी को दिक्कत इसमें? इजी एकदम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट ले लिया डीवाई बाय डी एक्स, यदि मैंने पिक कर लिया वाई बाय एक्स प्लस टेन वाई बाय एक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो फॉर्मेट तुम्हें दिखाना था, कौन सा जिसमें ये समझ गया ना, क्लियर है ना, इसमें ये होमोजीनियस ही है क्योंकि सीधा फंक्शन मिल गया वाई अपॉन एक्स में, क्या और क्या चाहिए तुम्हें, वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है तो डीवाई बाई डी एक्स, एक्स अपॉन वाई है तो डी एक्स अपॉन डी वाई, सारी चीज़ें बस वाई की जगह एक्स प्लस हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, डीवाई बाई डी एक्स की जगह बोलो वी एक्स सीधा, ये किस वजह से हो रहा है, पुट वाई इक्वल्स टू वी एक्स, तो ये वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया डीवाई बाई डी एक्स की जगह, ये क्या v tan v, समझ गए, आपको कैसे लिखना है पूरा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा वैसे लिखना है, बट ये यहां से यहां गया कैंसिल, dv अपॉन tan v, tan v क्या बन जाएगा ऊपर जाके cot v, cot v का क्या हो जाएगा log sin v, और इधर क्या बनेगा log x plus log c, तो यहां sin के अंदर ये log हट जाएगा, sin v किसको पुट करा है y अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा x c, ये क्लियर है। अब लेते हैं आपका टाइप टू पे क्वेश्चन,
इरेज कर दो इसको, टाइप वो चलो तुम खुद ही समझ लेना, मैं सीधा क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन आपका गया एक्स माइनस टू वाई प्लस वन, एक्स माइनस टू वाई प्लस वन डी एक्स और फोर एक्स, फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स, ये डी वाई रहा इक्वल्स टू जीरो। x माइनस टू वाई प्लस वन एंड दैट फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको सबसे पहले नहीं है, ये सामने दिख रहा है, फिर भी इसको इस फॉर्मेट में लिखो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस टू वाई प्लस वन अपॉन फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है या नहीं है जो टाइप टू में मैंने बताया था आपको। क्या बताया था, स्मॉल ए एक्स प्लस स्मॉल बी वाई प्लस सी कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस डी, वही फॉर्मेट है। लास्ट ए कॉन्स्टेंट दिख रहा है, बाकी एक्स वाई एक्स वाई दिख रहा है। अब देखो इसमें आपको रिप्लेस करना है, एक्स को क्या रिप्लेस करना है, कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई को क्या रिप्लेस करना है, कैपिटल वाई प्लस के, उससे डिवाइड बाई डी एक्स पूरा ये कैपिटल में करना। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ये माइनस एक्स और ये माइनस टू वाई और फोर एक्स माइनस थ्री वाई और यहां पे हो जाएगा माइनस एच प्लस टू के प्लस वन और यहां हो जाएगा थ्री एच माइनस थ्री के माइनस। एक्स की जगह लिखोगे एक्स प्लस एच, आगे माइनस है ना, माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है। और यहाँ वाई की जगह क्या लिखोगे, वाई प्लस के, आगे माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई टू वाई और टू के, तो यहाँ देखो एक वही प्लस है ये, तो ये टू वाई और ये क्या हो गया टू के हो गया। और लास्ट में वन है तो वो तो कॉन्स्टेंट में ऐड हो जाएगा, यहाँ वाला एक एच में एक टू। इसको क्विक लिखना हो ना आपको एकदम फास्ट, तो पहले एच के को तो भूल ही जाओ, बोले सीधा इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट को हटा दो, एक्स को कैपिटल एक्स वाई को कैपिटल वाई, इसको पूरा सॉल्व करना आंसर। लास्ट में इस सेम इक्वेशन में यहाँ एच लिख दो यहाँ के लिख दो, देखो माइनस एच प्लस टू के प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ करके एच के सॉल्व करो, एच के तो लास्ट में चाहिए। फिर भी अब इसके होमोजीनियस होने के लिए आपको इसको इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना। तो यहाँ लिख दो माइनस एच प्लस टू के प्लस वन इक्वल टू जीरो और ये क्या हो गया 3h एच माइनस थ्री के माइनस सिक्स इक्व टू जीरो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं दोनों, इसको 3 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 3h 3h एच चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा 6 माइनस थ्री ए क्या हो गया, इसको 3 से करा 6 के ऐड करा माइनस थ्री के तो क्या मिला प्लस का, इसको 3 से करा तो ये 3 और ये माइनस सिक्स इक्व टू जीरो। यहाँ से k की वैल्यू क्या होती है 1 और k की वैल्यू 1 पुट करके h की वैल्यू निकाल दी क्या 3 माइनस 3। एक बार क्रॉस चेक करो, देखो h की वैल्यू माइनस 3 तो ये प्लस का 3 हो गया और k की वैल्यू क्या है सॉरी h की प्लस 3 माइनस 3 हो गया। एक सेकेंड रुको, इसमें ये तो सही है ना, हाँ बिल्कुल यहाँ माइनस वन होना चाहिए, यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है यहाँ माइनस होगा, नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्री अरे ये फोर है ना, गड़बड़ी हो गई, फोर माइनस थ्री के माइनस सिक्स, ठीक है यहाँ आपका फोर है, अब परफेक्ट बना एच माइनस टू के माइनस वन और ये फोर। अब इसको क्या करा, ऊपर वाले को फोर से मल्टीप्लाई करके एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, जब गड़बड़ हो ना एक बार पुट करके देख लिया करो, इसको फोर से मल्टीप्लाई करा और इसको फिर ऐड करा तो फोर एच जीरो एट, एट माइनस ये क्या हो गया फाइव के हो गया, इसको फोर से करा तो माइनस फोर और ये माइनस सिक्स इक्व टू जीरो,
यहाँ के क्या आ गया, टू आ गया है, के टू रखा तो एच क्या आ गया, माइनस थ्री, नहीं इधर थ्री आएगा, ठीक है, एच क्या आ गया, थ्री आ गया। अब पुट करो थ्री और टू, यहाँ माइनस थ्री और यहाँ क्या हो जाएगा, टू प्लस, सही है, यहाँ चेक कर लो ट्वेल्व और यहाँ से ये भी क्या आ रहा है, सही है। तो मतलब h की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 2 है, तो मतलब ये h की वैल्यू जब 3 लोगे, k की वैल्यू 12 लोगे ना, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब आपका dy by dx से वो क्या बन जाएगा, माइनस x और ये 2y, ये बन जाएगा, इनको जीरो पुट कर दो, 4x माइनस 3। अब आपका कोई लेना देना ही नहीं है h के से, इसको आराम से सॉल्व करो, कैसे, इसकी जगह वापस मैंने क्या पुट करना है बताओ, पुट y इक्वल टू क्या लोगे, vx लोगे, उससे डिवाई बाई डी एक्स क्या होगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ एक्स की जगह वन और वाई की जगह वी टू वी, और यहाँ क्या फोर माइनस थ्री वी, इधर वी को उठा के यहाँ माइनस कर दो, ये वी एलसीएम लेके यहाँ से क्या हो गया, एक्स एक्स डी वी बाय डी एक्स हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको माइनस वन प्लस टू वी, और इसको माइनस से करते क्या, माइनस फोर वी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री वी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, फोर माइनस थ्री वी, इधर ले आओ फोर माइनस थ्री वी अपॉन थ्री वी स्क्वायर, और ये आपका माइनस का टू वी माइनस वन डी वी, और ये डी एक्स अपॉन एक्स, लॉग से लिख दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इज द ओनली की, फैक्टराइज हो रहे हैं, फैक्टराइज हो रहे हैं तुम्हारे, एक पहले वी पुट करके चेक करो ना, तो थ्री वी नहीं बन रहा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, तो यहाँ 4 माइनस थ्री वी, और नीचे इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे माइनस थ्री प्लस वन, तो ये पहले इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, थ्री वी स्क्वायर माइनस थ्री वी प्लस वी माइनस वन, तो यहाँ से थ्री वी कॉमन ले लिया, वी माइनस वन माइनस वन प्लस वन बाहर लिया, वी माइनस वन, तो आ गया थ्री वी प्लस वन और वी माइनस वन, इसके दो फैक्टराइज हो गए, तो यहाँ से फिर अब पार्शियल फ्रैक्शन से 4 माइनस थ्री वी है अपॉन क्या हो गया, थ्री वी प्लस वन वी माइनस वन, ए अपॉन थ्री वी प्लस वन बी अपॉन वी माइनस वन, यहाँ से फिर एलसीएम लोगे तो ये नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस थ्री वी ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, वी माइनस वन और बी थ्री वी प्लस वन, एक बार पुट करो v को 1, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो 4b v को 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1, b क्या आ गया 1 बाय 4, और एक बार v को पुट करो क्या, माइनस का 1 बाय 3, किसको पुट करो, v को, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो यहाँ से 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, और यहाँ क्या हो गया, a 1 बाय 3 माइनस का 2 बाय 3 है, तो यहाँ से ए क्या हो गया, बी क्या लिया, माइनस का वन बाई थ्री फोर बाई थ्री हो गया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 515 अपॉन माइनस फोर आ जाएगी ए की वैल्यू, किसी को दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसको रेज कर दूँ, लेंथी है क्या करें, इट्स बोरिंग, क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है, करो परफेक्ट स्क्वायर से करते तो नहीं यार, परफेक्ट स्क्वायर से नहीं करते, ऊपर दे रखा ना वेरिएबल, परफेक्ट वो तो माता फोड़ी बहुत पड़ जाती है, माता फोड़ी पर सीधा इसकी शक्ल देख के पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका हूँ, ऐसे तो अलग अलग कर दो, फोर को अलग कर दो, थ्री वी को अलग कर दो, ऐसे तो इसको टी भी बना सकते हैं,
टी पुट कर रहे हो तो क्या सिक्स वी हो रहा है, तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो एक सिक्स वी बन रहा है। फिर वो चीज जो दूसरा हमें क्या माइनस टू बनाना है, माइनस टू एड कर दो, माइनस टू सब्सट्रैक्ट कर दो, तो एक तो परफेक्ट टी बना देंगे, पर वो बात वही रहेगी। तो वो माता पूरी सारी सेम ही है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस फिफ्टीन बाय फोर, तो अब मैं सीधा इसको ए और बी के साथ यहाँ पुट कर रहा हूँ, माइनस फिफ्टीन बाय फोर, और ये आपका हो गया ए के नीचे क्या वन अपॉन थ्री वी प्लस वन है, और ये आपका डी वी हो गया, और दूसरा क्या वन बाय फोर बी की वैल्यू पॉजिटिव वन बाय फोर, और b के नीचे क्या है आपका v माइनस वन, वन अपॉन v माइनस वन, और d में उधर क्या है log x c लिख दिया मैंने उनको कंबाइन करके, और यहाँ से ये आपका आ जाएगा माइनस फिफ्टीन को लिख दूँ वन थ्री बाय फोर लिखा है log थ्री वी प्लस वन, क्यों लिखा है इसका log हो गया नीचे 3 आएगा और 3 से 15 को काट दिया, और यहाँ 1 बाय फोर लॉग वी माइनस वन और ये लॉग एक्स सी। अब v क्या है वापस y अपॉन x है, v क्या है y अपॉन x, तो यहाँ इसको नीचे भेजेंगे तो ये तो रहा v माइनस वन की पावर हो गई 1 बाय फोर, इसको 5 बाय फोर को उधर भेजा या माइनस 5 बाय फोर को भेजो तो वो नीचे आ जाएगा 3v प्लस वन की पावर क्या हो जाएगी 5 बाय फोर हो जाएगी, और उधर क्या मिला x, और यहाँ से v को पुट करा क्या y अपॉन x, और तो यहाँ से कैपिटल y अपॉन x माइनस वन और यहाँ 1 बाय फोर, या दोनों तरफ 4 कर दी पावर, तो यहाँ क्या 3y बाय x प्लस वन, इसकी पावर हो गई 5, इसकी पावर क्या हो गई 1, और इसकी x की पावर 4, और c 4 को c डैश ले लिया, इसको उधर भेज दिया, ये y माइनस एक्स यहाँ से तो नीचे क्या आया आपका एक x आया है, और यहाँ से रहा 3y प्लस एक्स की पावर 5 है, और यहाँ क्या आ गया x की पावर 5 और एक x की पावर 4 यहाँ ऑलरेडी था, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, समझ गए ना। तो ये यहाँ से y, अब देखो यहाँ से आपका आंसर देखो एक x कैंसिल हो गया तो यहाँ मिला y माइनस एक्स और क्या मिला 3 कैपिटल y प्लस एक्स की पावर 5 और ये सी डैश, ये आंसर नहीं है। अभी एक और चीज़ करनी है, आपको पता है स्मॉल x को क्या लिया था आपने x प्लस h लिया था, y को क्या लिया था कैपिटल y प्लस k लिया था, तो यहाँ से x की वैल्यू h की वैल्यू क्या आई थी बताओ, देखो फोटो में k की वैल्यू 2 थी, h की माइनस 3 थी, प्लस 3 थी h की, तो यहाँ से कैपिटल x क्या हो जाएगा h की वैल्यू प्लस स्मॉल x माइनस 3, और यहाँ से कैपिटल y कितना हो जाएगा y माइनस 2, k की 2 थी ना पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों जब रिप्लेस कर दोगे तो जो मिलेगा आपका आंसर, क्योंकि मेरी बात समझे या नहीं समझे DE का जो सॉल्यूशन होता है हमें जो आंसर मिलता है वो एक कर्व मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको मैंने सॉल्यूशंस में समझा रखा है पूरा क्या होगा कर्व होगा, हमने एक कर्व में सारे वेरिएबल को एक फिक्स वैल्यू आगे सरका दिया सॉल्व कर दिया, वो सॉल्यूशन थोड़ी होगा हमें तो एक्चुअल सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर सारे वेरिएबल को वापस पीछे ले आओ, समझ गए ना, इज दैट क्लियर किसी को दिक्कत, तो ये आपके यहाँ पे ये भी टाइप हो गया था, बाकी